गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के एक चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम आखिर होता क्या है? बाइनोमियल कहने का मतलब आपके पास दो कहने का मतलब दो एक्सप्रेशंस हैं और उनके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना चाहते हो या किसी को एक्सपेंड। सपोज आपके पास एक्स प्लस वाई है रेज टू द पावर एन, आप चाहते हो इसका एक्सपेंशन करना। तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली आपको बताता है कि इसका आखिर हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ रखा होगा जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में आपका फॉर्मूला होता था एनसीआर। ठीक है, अब अगर मैं एनसीआर के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, एनसीआर को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ब्रैकेट में आपने एन और आर लिख दिया, ठीक है, समेशन का यूज किया, आर इक्वल टू जीरो और ऊपर में एन लिख दिया, तो ये भी आपका होता है एनसीआर का ही फॉर्मूला। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पे भी इस तरह का टर्म आ जाता है तो आपका एनसीआर ही होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो फैक्टोरियल के लिए आप मेरे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बताया गया कि फैक्टोरियल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीजें होती हैं इस बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो बाइनोमियल थ्योरम को अगर मैं डिफाइन करूं, क्या कि आखिर एक्सपेंशंस क्यों, तो एक्सपेंशन सबसे पहले पास्कल के द्वारा करवाया गया था। तो पास्कल का एक ट्रायंगल होता है जिसे हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल में जो आपके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज होती हैं उस पर्टिकुलर वैल्यूज को हम वन लिखते हैं, और देन आफ्टर जो भी वैल्यूज होती हैं वो समेशन ऑफ दूसरी वैल्यूज। मैं इसको कॉलम वाइज या रोज वाइज अलग अलग कर देता हूं ताकि आप एंगल आखिर वर्क कैसे होता है। जैसे कि यहां पे देखिए, आप वन और वन है, इसके बीच में मैंने ट्रायंगल बनाया। अब ट्रायंगल क्या करता है, इन दो जो इसके वर्टेक्स है उस वर्टेक्स पे जो वैल्यूज है उनको सम करके नीचे लिख देता है। तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू। इसी तरह आपने नीचे आए, यहाँ पे मैंने वन लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने वन लिख दिया। ठीक है, अब इसमें भी फिर से ट्रायंगल बनाया मैंने, वन प्लस टू आपका थ्री हो गया और इधर भी टू प्लस वन आपका थ्री हो गया। फिर से मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वन और वन कर दिया, और इसी ट्रायंगल को आगे मैं प्रोसीड करता रहूंगा। तो वन प्लस थ्री आपका फोर हो गया, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया, थ्री प्लस वन आपका फोर हो गया। ठीक है, फिर से उसी तरह वन और वन आपने लास्ट में लिख दिया, फिर से ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, वन प्लस फोर आपका यहाँ पे तो वन हो जाएगा, यहाँ पे फाइव, फिर से फोर प्लस सिक्स की बात करते हैं तो यहाँ है इसकी वैल्यू आपकी टेन हो गई। नेक्स्ट आपकी जो वैल्यू था फोर प्लस वन, ये आपकी वैल्यू होगी फाइव, लास्ट में आपने वन लिख दिया। आखिर इस पास्कल ट्रायंगल का यूज कैसे होता है, अब मैं इस पर्टिकुलर पास्कल ट्रायंगल के यूज के बारे में बताता हूँ। सपोज x प्लस वाई रेज टू दी पावर जीरो है, जीरो कहने का मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। ठीक है, x प्लस वाई रेज टू दी पावर वन है, तो इसकी वैल्यू को देखो कैसे लिख सकते हैं। आपने x लिख दिया, यहां पे आपने y लिख दिया, बेशक बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, x प्लस वाई रेज टू दी पावर टू, ये आपका हो गया x स्क्वायर टू एक्स वाई, एक एक करके एक वैल्यूज को हम बढ़ाते जाएंगे, दूसरी वैल्यूज को हम घटाते जाएंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर। फिर अगर एक्स प्लस वाई रेज टू दी पावर अगर मैं थ्री कर दूं, यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब, अब एक्स की एक वैल्यू घट जाएगी तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स वाई स्क्वायर थ्री, अब थ्री आपका वाई पे क्यूब हो जाएगा। इसी तरह एक्स प्लस वाई रेज टू दी पावर अगर मैं फोर की बात करता हूँ, एक्स प्लस वाई रेज टू दी पावर अगर मैं फाइव की बात करता हूँ तो सेम टू सेम इसी तरह अगर मैं एक्स प्लस वाई रेज टू दी पावर फाइव की बात करता हूँ तो एक्स रेज टू दी पावर फाइव प्लस फाइव एक्स रेज टू दी पावर फोर वाई
प्लस टेन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस फाइव एक्स वाई रेज टू द पावर फोर प्लस वाई क्यूब वाई रेज टू द पावर फाइव। तो इस तरह आपका पास्कल ट्रायंगल आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर ये पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, क्यों यूज होता है इसके अकॉर्डिंग। इसी तरह मैं x प्लस वाई रेज टू की जगह अगर 10 की बात करूं तो यूजिंग पास्कल ट्रायंगल ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आखिर इसको कैसे करें, लेकिन अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग करूं तो इसको इजीली कर सकता हूं। तो चलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, x प्लस वाई रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको फॉर्म बता रखा है समेशन ऑफ r इक्वल टू जीरो ऊपर में n हो गया, ब्रैकेट के अंदर में n ऊपर में और r, क्योंकि ये आपका नॉर्मली फॉर्म होता है, ठीक है, एनसीआर का ये भी फॉर्म होता है आपका। फिर एक्स रेज टू द पावर एन माइनस आर वाई रेज टू द पावर एन, ये एक जनरल फॉर्म है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का, इसी के अकॉर्डिंग अब मैं यूज करना चाह रहा हूं। तो स्टार्टिंग कहां से होगा हमारा, जीरो से और जाएगा एन तक, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन वाई रेज टू द पावर एन। अब देखो यहाँ पे एक पावर सब्ट्रैक्ट हुआ, दूसरा पावर इंक्रीज हो गया, एन प्लस एन सी टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू वाई रेज टू द पावर टू, इसो ऑन आगे की ओर बढ़ेगा और एन सी एन जो 1, 2, 3 आपकी वैल्यूज बढ़ती जा रही थी r की, वो लास्ट में वैल्यूज हो जाएगी n, ऊपर में हो जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस n y रेज टू द पावर n, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्टली y रेज टू द पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि n माइनस n की वैल्यू 1 बन जाएगी। इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर वन वाई रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो इस तरह करके हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन इसको प्रूफ करने के लिए, एनसीईआरटी में आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ किया हुआ है और बड़ी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो अगर आप देखते हो और बड़ी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो अगर आप देखते हो तो मैथमेटिकल इंडक्शन जहां तक मुझे पता है आपको बड़ी अच्छे तरीके से आता होगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक और होगा ए रेज टू द पावर एन बी रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी रेज टू द पावर एन, ये आपका एग्जाम्पल में होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ किया हुआ। अब सपोज मैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस सी रेज टू द पावर 3 का एक्सपेंशन करना चाहता हूं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 3, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है 3 सी नॉट x रेज टू द पावर 3 प्लस 3 सी वन एक्स रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 3 सी टू एक्स रेज टू द पावर 1 सी रेज टू द पावर 2 3 सी 3 एक्स रेज टू द पावर 0 सी क्यूब। इसी को अगर एक्सपेंड करके हम वैल्यूज लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर सी प्लस थ्री एक्स सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। एक बात ध्यान में रखिएगा एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर के इक्वल होती है, इसी तरह एन सी नॉट की जो वैल्यू है वो एन सी एन इक्वल टू वन के इक्वल होती है, एन सी वन की वैल्यू एन सी एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू एन के इक्वल होती है, ठीक है।